हेलो एवरीबॉडी मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मोटर व्हीकल्स एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के द्वारा जितने भी लॉज हैं जिनका रिलेशन है मोटर व्हीकल्स से उन सभी लॉज को एक जगह कंसोलिडेट करा गया था पर इसे समय के साथ अप टू डेट रखने के लिए इसमें कॉन्स्टेंटली अमेंडमेंट्स करने पड़े जैसे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए और रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट होने लगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आए तो यहाँ पर अमेंडमेंट की नीड अराइज हुई कि जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो भी एक हिस्सा बने मोटर व्हीकल एक्ट का एक रिव्यू ग्रुप सेटअप किया गया जो कि हर बारीकी को कवर करता हुआ लेजिस्लेशन ला सके और उसकी सजेशन पर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 को स्थापित किया गया ये एक्ट जुलाई फर्स्ट 1988 के दिन आया इसके जो सेक्शन 140 से लेकर 144 है चैप्टर 10 वो डील करते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी के साथ इसके जो सेक्शन 145 से 164 है चैप्टर 11 वो डील करते हैं इंश्योरेंस इन थर्ड पार्टी क्लेम्स के साथ सेक्शन 165 से 176 चैप्टर 12 डील करता है क्लेम ट्रिब्यूनल्स के साथ में इस एक्ट को एक वेलफेयर लेजिस्लेशन कंसिडर किया जाता है इस एक्ट का प्राइमरी फोकस यही है कि जो भी मासूम लोग हैं जो सड़क दुर्घटना के विक्टिम बने हैं उन्हें रिलीव दी जाए और उन्हें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जा सके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को कम्पल्सरी बनाया गया एक्ट में साथ ही साथ ये भी बताया गया कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी वेलिडिटी 15 ईयर्स तक की रहती है जिसके बाद उसे अगले पाँच साल तक के लिए रिन्यू करवाया जा सकता है मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं ये सिर्फ ऊपरी सेक्शंस हैं पर इसके अंदर हर एक डिटेल को कवर किया गया है जिसका रिलेशन मोटर व्हीकल्स के साथ में है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी क्लेम्स इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया गया था ताकि जो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है उसे सेफ किया जा सके यहाँ पर थर्ड पार्टी जो कि विक्टिम बन सकती है किसी एक्सीडेंट के या फिर किसी इंजुरी के तो यहाँ पर पहले से ही प्रावधान है कि इंश्योरेंस को कम्पल्सरी किया जाए ताकि जो इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी का उसे सेफ किया जा सके ऐसा होने की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर थर्ड पार्टी को कोई इंजरी आ जाती है तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो मोटर व्हीकल के ओनर से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से या फिर दोनों से कॉम्पनसेशन को क्लेम कर सकती है सेक्शन 147 सेवन ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 बताता है कि यह इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को जिसे कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिसी कवर करती है लॉ के द्वारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को मैंडेटरी बनाया गया है और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी के द्वारा इसे नकार नहीं सकती है कोर्ट के द्वारा बताया गया था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस फकील चंद के केस में कि थर्ड पार्टी में हर एक व्यक्ति को इंक्लूड किया जाएगा एक्सेप्ट वो पार्टीज जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया है इंश्योरेंस पॉलिसी का सेक्शन 146 के द्वारा बताया गया कि इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति मोटर व्हीकल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हो जो कि इस एक्ट का पर्पस एक वेलफेयर लेजिसलेशन का था तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे स्टेट कंसिडर किया गया है जिसे डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ये यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है थर्ड पार्टी की अंडर सेक्शन वन फोर्टी नाइन की जो भी जजमेंट या अवॉर्ड दिया गया है थर्ड पार्टी रिस्क पर उसे सेटिस्फाई किया ही जाना चाहिए सेक्शन 145 के द्वारा इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया जा चुका है कि थर्ड पार्टी में हर कोई व्यक्ति इंक्लूडेड है सिवाय उन दो लोगों के जिनने कॉन्ट्रैक्ट किया है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ग्रेचुअस पैसेंजर्स को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द स्कोप ऑफ बीइंग थर्ड पार्टी अब ये जो ग्रेचुअस पैसेंजर्स हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया है इन मोटर व्हीकल एक्ट

इंश्योरेंस को कंपलसरी इसलिए बनाया गया है कि अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना आसान हो जाए द ऑफ नो फॉल्ट जो केस था हाजी जकारिया नाशिर कामा का उसमें यह सवाल सामने आया कि जो भी व्यक्ति है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है अगर वो व्यक्ति नेग्लिजेंट नहीं था और रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था क्या फिर भी उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ये कहा कि यहाँ पर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती है अगर जो ड्राइवर है या फिर जो ओनर है मोटर व्हीकल का वो नेग्लिजेंट नहीं था तो यहाँ पर लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल को डेवलप किया गया था ताकि हिट एंड रन केसेस के विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके सोशल जस्टिस के पर्पज के लिए इस प्रिंसिपल को ले डाउन किया गया की कि नेग्लिजेंस हो या ना हो जो ड्राइवर है या फिर जो ओनर है व्हीकल का वो लाइबल हो जाता है अगर कोई एक्सीडेंट होता है अगर विक्टिम को कॉम्पनसेशन डिनाई कर दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था रेस ड्राइविंग नहीं थी और ड्राइवर या फिर मोटर व्हीकल के ओनर की कोई गलती नहीं थी तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी अब यहाँ सवाल ये आता है की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और नो फॉल्ट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है जब बात आती है नो फॉल्ट लाइबिलिटी की तो यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन है वो फिक्स्ड होता है पर जब बात आती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है वो बेसिक कॉमन लॉ प्रिंसिपल से थोड़ा अलग है यहाँ पर नेग्लिजेंस हो या ना हो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में बताया गया है अंडर सेक्शन वन टू वन ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट नाइनटीन में सेक्शन वन बताता है की कॉम्पनसेशन प्रोवाइड प्रोवाइड करना होगा डेथ के और परमानेंट इंजुरीज के, के केस में अगर सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर अमाउंट फिक्स्ड है कि फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होगा और अगर परमानेंट इंजरीज आती है तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना ही होगा नो फॉल्ट लाइबिलिटी के चलते यहाँ पर जो भी व्यक्ति क्लेम करना चाहता है इस कॉम्पनसेशन को उसे इस बात को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति था वो नेग्लिजेंट था या नहीं था भले ही से जो सामने वाला व्यक्ति है वो नेग्लिजेंट है या नहीं है उसे कॉम्पनसेशन पे करना ही होगा अब यहाँ सवाल ये यह आता है कि जो व्यक्ति कॉम्पनसेशन को क्लेम कर रहा है अगर उस एक्सीडेंट में थोड़ी गलती उसकी भी हुई तो अगर यहाँ पे जो व्यक्ति कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है उसका भी नेग्लिजेंस सामने आता है तब भी यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन है वो मिलेगा इसमें साथ ही साथ इस बात को भी बताया गया है कि अगर इसी एक्ट के किसी और सेक्शन के अंतर्गत भी अगर इस क्लेमेंट को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए तो वो कॉम्पनसेशन भी इस क्लेमेंट को दिया जाएगा ये जो इंटरम कॉम्पनसेशन है जिसके बारे में सेक्शन 140 में बात की गई है ये 1944 में एनफोर्समेंट में आया था और यहाँ पर इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है मतलब अगर 1994 से पहले कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें कॉम्पनसेशन नहीं मिला हो तो अब यहाँ पर उसे क्लेम नहीं किया जा सकता है पर नाइनटीन के बाद में जब ये इनैक्टमेंट में आ गया है उसके बाद में अगर कोई एक्सीडेंट इस प्रकार का अराइज होता है तो यहाँ पर लोग कॉम्पनसेशन को क्लेम कर सकते हैं शिवाजी दयानु के केस में पेट्रोल टैंकर और ट्रक टकरा गए थे चार घंटे बाद में एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें जो रेस्पोंडेंट है उसके बेटे की डेथ हो गई इन चार घंटों के दौरान जो आसपास के गांव वाले थे उन्होंने एक्सीडेंट साइट पे से तेल चुराने की कोशिश की जिसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज हुआ और जिस वजह से एक्सप्लोजन हो गया इस केस में हाईकोर्ट के द्वारा क्लेम को अलाउ किया गया था अब यहाँ पर ओनर और इंश्योर के बीच में ये बहस हो रही थी की गाड़ियों के आपस में टकराने और एक्सप्लोजन में क्या रिलेशन है एक्सप्लोजन तो गांव वालों की वजह से हुआ था पर यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है अराइजिंग आउट ऑफ उसको एक वाइडर कनोटेशन देते हुए कहा कि यहाँ पर कॉलुशन और एक्सप्लोशन के बीच में रिलेशन है और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए क्लेम्स 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 ट्रिब्यूनल 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 एंड इट्स अवार्ड्स एक फोरम किया गया था जिसे या फिर मोटर एक्सीडेंट्स के नाम से जाना जाता है ताकि प्रोवाइड कर सके स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज को इसके पहले जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में फाइल किए जाते थे अगर जो ट्रिब्यूनल है उसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर्स हैं तो उनमें से एक व्यक्ति चेयरमैन होगा जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन 165 के सब सेक्शन थ्री में बताई गई है 165 4 में बताया गया है कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स का जो जुरिस्टिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो डेफिनेशन है मोटर व्हीकल की या फिर व्हीकल की जिसे बताया गया है सेक्शन टू सब ट्वेंटी 28 इसे भी इंटरप्रिट किया गया था ट्रिब्यूनल के द्वारा और इसे इस तरह से इंटरप्रेट किया गया ताकि जो विक्टिम है एक्सीडेंट का उसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके इस डेफिनेशन में सभी व्हीकल्स को इंक्लूड किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर कॉम्पनसेशन को क्लेम करने की एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाता है ट्रिब्यूनल को अधिकार है की वो ओनर के खिलाफ ड्राइवर के खिलाफ या फिर इंश्योर के खिलाफ कॉम्पनसेशन को एनफोर्स कर सकता है कॉम्पनसेशन क्लेम करने की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल एंटरटेन कर सकता है पर सिर्फ ओनर ड्राइवर और इंश्योरर के अगेंस्ट और किसी के अगेंस्ट नहीं यहाँ पर यह बताया गया है कि जब कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन किया जाएगा तो उसे फेयर जस्ट और रीजनेबल रखना जरूरी है